दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इंडियन आर्मी की उन रेजिमेंट या कोर को देखेंगे जो अपने यूनिक आइडेंटिटी के लिए फेमस है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, ऐसे तो इंडियन आर्मी के पर्सनल के पास मोस्टैच रखने की परमिशन होती है, पर पर्सनल को ये भी साथ में मेक श्योर करना होता है कि मोस्टैच की लेंथ टॉप लिप से नीचे ना जाए। पर अगर आप डोगरा रेजिमेंट से हैं तो आप लंबी मोस्टैच रख सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी की कई ऐसी रेजिमेंट है जैसे राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स एक्सेट्रा, जहाँ पर पर्सनल को स्पेशल अलाउंस दिया जाता है सो दैट दे कैन मेंटेन देयर ट्रेडिशनल फियर्सली कर्लिंग मोस्टैचेस। वही कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के पर्सनल्स को रेड बेरे, व्हाइट लैनियार्ड्स और बेल्ट से आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सीएमपी के अलावा इंडियन आर्मी में किसी भी आर्म्स या सर्विस के पर्सनल द्वारा रेड बेरे और व्हाइट बेल्ट नहीं पहनी जाती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस इंडियन आर्मी की पहली ऐसी कोर है जिसने अदर रैंक पर फीमेल कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना स्टार्ट किया था। दरअसल जैन 2019 में गवर्नमेंट ने मिलिट्री पुलिस में वुमेन के इंडक्शन को अप्रूवल दे दिया था, जिसके बाद 8 मई 2021 में 83 वुमेन सोल्जर्स ने 61 वीक की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन किया। और इस तरह इंडियन आर्मी की सीएमपी अदर रैंक्स पर फीमेल को रिक्रूट करने वाली सबसे पहली कोर बनी। जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस इंडियन आर्मी की मिलिट्री पुलिस है जिन्हें ट्रेन किया जाता है टू हैंडल प्रिजनर्स ऑफ वॉर, टू रेगुलेट ट्रैफिक एंड टू हैंडल बेसिक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट। इसका रेजिमेंटल सेंटर कर्नाटका के बेंगलोर में मौजूद है। इसका मोटो है सेवा तथा सहायता और इसका रेजिंग डे 18 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम बात करें मैरून बेरे की, जिसे हर कोई आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो मैरून बेरे को इंडिया ही नहीं बल्कि ये पूरे वर्ल्ड में एसोसिएटेड है विद एयरबॉर्न फोर्सेस। और क्योंकि हम फिलहाल इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, तो इस मैरून बेरे को पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज और पैराट्रूपर्स द्वारा पहना जाता है। अब सवाल आता है कि पैराशूट रेजिमेंट क्या है? तो पैराशूट रेजिमेंट इंडियन आर्मी की एयरबॉर्न एंड स्पेशल फोर्स रेजिमेंट है, जिसे 1945 में रेज किया गया था एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी, पर इसको वर्ल्ड वॉर टू के बाद डिसबैंडेड कर दिया गया था और 1952 में इसे रीइशू किया गया एज पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। रेजिमेंट में फिलहाल 15 स्पेशल फोर्सेस, 2 टेरिटोरियल और 1 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन मौजूद है। इसका रेजिमेंटल सेंटर कर्नाटका के बेंगलुरु में मौजूद है। पैराशूट रेजिमेंट का मोटो है शत्रु जीत द क्वांकरर और इनका वॉर क्राई है बलिदान परम धर्मा, सेक्रीफाइस सुप्रीम ड्यूटी। इसके अलावा इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है जो अपने हैट और वेपन के लिए काफी फेमस है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ गोरखा हैट और खुकरी की। कुर्की या खुर्की मल्टीपर्पज मेले वेपन है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ओरिजिनेट हुआ है और ये ट्रेडिशनली एसोसिएटेड है विद नेपाली स्पीकिंग गुरकाज ऑफ नेपाल। ये सेंचुरीज ओल्ड वेपन कई सालों से लिंक्ड है विद ब्रिगेडियर्स ऑफ गुरकास। द यूनिक डिजाइन ऑफ कुर्की अलाउज यूजर्स टू साइमल्टेनियसली स्लाइस एंड चॉप एट एन ओपोनेंट, डूइंग द मोस्ट डैमेज पॉसिबल विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। वही गोरखा हैट एक वाइड ब्रिम्ड हैट है जिसमें मटेरियल के 2 लेयर्स मौजूद होते हैं। इन हैट को फेल्ट से बनाया जाता है और इसे टिल्टेड पहना जाता है। इसको ओरिजिनली वर्ल्ड वॉर 1 से पहले अडॉप्ट किया गया था और इसको उस समय की खाकी ड्रिल सर्विस यूनिफॉर्म के साथ पहना जाता था। वही अगर गोरखा की बात करें तो 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल ट्रिपर्टाइट एग्रीमेंट के तहत 6 गोरखा रेजिमेंट्स को इंडियन आर्मी का पार्ट बनाया गया, जो पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी का पार्ट थी। इसके बाद 7th गोरखा राइफल्स रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में रीरेस किया गया, जिसमें उन 7th गोरखा राइफल्स एंड 10th गोरखा राइफल्स को उन गोरखा सोल्जर्स को अकोमोडेट किया गया जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी में जाने से मना कर दिया था। इंडियन आर्मी में फिलहाल 7 गोरखा रेजिमेंट की 39 बटालियन सर्व कर रही है। इस रेजिमेंट में ट्रूप्स को मेनली इंडिया एंड नेपाल की एथनिक गोरखा कम्युनिटी से रिक्रूट किया जाता है, जो वर्ल्ड वाइड अपनी ब्रेवरी एंड फियरलेसनेस के लिए फेमस है। गोरखा राइफल्स ने 3 परमवीर चक्र इंडिया को दिए हैं, जो है कैप्टन गुरबचन सिंह सलरिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा और कैप्टन मनोज कुमार पांडे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका लक्ष्य है एनडीए एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का, तो मैं आपको मिशन एनडीए बुक हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से एनडीए एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से आप 10 टू 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart।
क्या आप जानते हैं इंडियन आर्मी की एक ऐसी भी सर्विस है जो रिटायर्ड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर्सनल को रिक्रूट करती है, और वो है डिफेंस सिक्योरिटी कोर या DSC। ये इंडियन आर्मी की एक अंडर रेटेड कोर है जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेजिनेटेड डिफेंस इंस्टॉलेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थ्रेट। क्योंकि DSE की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करना, इसलिए इस रोल को फुलफिल करने के लिए DSE प्रोवाइड करती है आर्म्ड सिक्योरिटी स्टाफ, स्टैटिक गार्ड्स, सर्चर्स, एस्कॉर्ट्स एंड मोबाइल पेट्रोल्स। DSE इंडियन आर्मी की 6th लार्जेस्ट कोर है एंड इट्स पर्सनल आर सब्जेक्टेड टू आर्मी एक्ट अंडर इंडियन आर्मी। DSE पर्सनल को अभी तक 3 वीर चक्र, 1 कृति चक्र, 4 शौर्य चक्र और 10 सेना मेडल्स मिले हैं। इसका मोटो है रक्षा तथा सुरक्षा और इसका रेजिंग डे हर साल 25 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन आर्मी की बस एक ही ऐसी रेजिमेंट है जिसके इंसिग्निया में टाइगर मौजूद है और वो है डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसे 1877 में रेज किया गया था। ये रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 17th डोगरा रेजिमेंट से बनाई गई है, जिसमें बाकी सभी रेजिमेंट की तरह ट्रांसफर के बाद उसमें से न्यूमरल प्रीफिक्स को रिमूव करके इसको डोगरा रेजिमेंट का नाम दिया गया है। डोगरा रेजिमेंट फिक्स्ड क्लास कॉम्बिनेशन है जिसमें 50% सोल्जर्स हिमाचल प्रदेश, 25% सोल्जर्स जम्मू एंड कश्मीर और बाकी के सोल्जर्स को पंजाब के होशियारपुर, SBS नगर, पठानकोट और रूपनगर डिस्ट्रिक्ट से रिक्रूट किया जाता है। इवन इंडिपेंडेंस से पहले डोगरा रेजिमेंट के पास 2 विक्टोरिया क्रॉसेस, 44 मिलिट्री क्रॉसेस और 312 दूसरे अवार्ड्स मौजूद थे। इसका रेजिमेंटल सेंटर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में मौजूद है। डोगरा रेजिमेंट का मोटो है कर्तव्य अनवतमा, ड्यूटी बिफोर डेथ, और इनका वॉर क्राई है ज्वाला माता की जय, विक्ट्री टू गॉडेस ज्वाला। इंडियन आर्मी में बस एक ही कोर है जिसमें डंगरीज पहनी जाती है और वो है आर्मी एविएशन कोर। आर्मी एविएशन कोर या AAC इंडियन आर्मी की यंगेस्ट कोर है और ये इंडियन आर्मी का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। 1942 में रॉयल एयरफोर्स में आर्मी एविएशन विंग की स्थापना की गई थी और फर्स्ट इंडियन एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट को अगस्त 1947 में रेज किया गया था और 1986 में इस एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट को इंडियन एयरफोर्स से इंडियन आर्मी में शिफ्ट किया गया टू फॉर्म आर्मी एविएशन ब्रांच। और इस तरह 1 नवंबर 1986 को आर्मी एविएशन कोर अस्तित्व में आई। इसका मोटो है सुवेग एवं सुदृढ़, दैट इज स्विफ्ट एंड श्योर, और 1 नवंबर को AAC का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है जिसका रेजिमेंटल सॉन्ग काफी फेमस है। सॉन्ग का नाम है बदलू राम का बदन, जो असम रेजिमेंट का रेजिमेंटल सॉन्ग है। असम रेजिमेंट इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसको 15 जून 1941 में रेज किया गया था बाय लेफ्टिनेंट कर्नल रॉस हॉमैन। रेजिमेंट में टोटल 25 बटालियंस मौजूद हैं, जिसमें 15 रेगुलर बटालियंस, 3 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन, 5 टेरिटोरियल आर्मी बटालियंस और 2 अरुणाचल स्कॉट्स बटालियंस मौजूद हैं। इनिशियली रेजिमेंट में अनडिवाइडेड असम से रिक्रूट किए जाते थे जिसमें मेनली असम के अहोम्स होते थे, पर आज इस रेजिमेंट में 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिक्रूटमेंट किया जाता है। ये इंडियन आर्मी की इकलौती ऐसी रेजिमेंट है जिसके इंसिग्निया में राइनो मौजूद है। इसका रेजिमेंटल सेंटर मेघालय के शिलोंग में मौजूद है। असम रेजिमेंट का मोटो है असम विक्रम, यूनिक वेलर, और इनका वॉर क्राई है राइनो चार्ज। इंडियन आर्मी में एक ऐसी कॉम्बैट आर्म है जिसके पर्सनल ब्लैक यूनिफॉर्म, ब्राउन शूज और अमेजिंग सेरेमोनियल यूनिफॉर्म के लिए फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्मर्ड कोर की। आर्मर्ड कोर 1 मई को आर्मर डे सेलिब्रेट करती है क्योंकि 1938 में इस दिन ही सिंडे हॉर्स पहली रेजिमेंट बनी थी जो हॉर्स से टैंक्स पर शिफ्ट हुई थी। इसके अलावा आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट के नाम को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है, तो चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। जो रेजिमेंट इंडिपेंडेंस से पहले फॉर्म हुई थी उनका नाम इंडिपेंडेंस के बाद भी वही रखा गया है, जैसे कि कैवेलरी, हॉर्स, लेंसर्स। वही जो रेजिमेंट इंडिपेंडेंस के बाद फॉर्म हुई उनका नाम आर्मर्ड कोर रेजिमेंट के नाम से रखा जाता है। आर्मर्ड कोर रेजिमेंट्स के ऑफिसर्स और ट्रूप्स बाकी रेजिमेंट से बिल्कुल अलग ब्लैक कलर की बेरे पहनते हैं, जो टैंक मैन को आर्मी में डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देता है। ये फिलहाल इक्विप्ड है विद अर्जुन MBT T-90 एंड T-72 टैंक्स। तो ये थे इंडियन आर्मी की वो रेजिमेंट या कोर जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी के लिए फेमस है। अगर आप इस लिस्ट में किसी और रेजिमेंट को ऐड करना चाहते हैं जो अपनी किसी यूनिक आइडेंटिटी के लिए फेमस है, तो कमेंट सेक्शन में सबके साथ जरूर शेयर करें। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।